हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय टैली टेक ट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग बैकअप एंड स्प्लिट डेटा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख टैली ओपन करते हैं। तो देखिए आपका ये टैली जो है, टैली में आपका जो कंपनी है टैली टेक ट्यूब, इस पे हम लोग काम करेंगे स्प्लिट का। तो यहाँ पे स्प्लिट के लिए आपको F3 प्रेस करना है, उसके बाद स्प्लिट में जाना है, स्प्लिट कंपनी डेटा। स्प्लिट कंपनी में जाके आपको सिलेक्ट करना है कंपनी का नेम, जैसे मेरा है टैली टेक ट्यूब। तो मैंने जो है स्प्लिट करना है 1 अप्रैल 2020 से, क्योंकि मेरा ऑलरेडी फर्स्ट कंपनी जो है आपका 2019 से हो गया है। तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं। तो स्टेटस को सिलेक्ट किया, उसके बाद 1 अप्रैल दिया जो स्प्लिट डेट है। सपोज आपका तो आपका अभी जो अप्रैल है, अप्रैल के बाद जब 21 का 2000 फाइनेंशियल 2021 आएगा, तो उस टाइम आप 1 अप्रैल 2021 करेंगे। और जिसका 28 2018 है वो 2019 करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी 1 अप्रैल 2020 करेंगे। तो एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद स्प्लिट येस और नो बोलेंगे। तो हम लोग येस वाई प्रेस करेंगे। तो देखिए आपका स्प्लिटिंग हो रहा है, इन प्रोग्रेस में दिखा रहे टैली में। तो ये 100% जब हो जाएगा तो आपका दिखा रहे, देखिए 1 अप्रैल 2019 जो हम लोग का पहले वाला था, और अभी जो है टैली टेक ट्यूब 1 अप्रैल 2020। तो ये आपका सेकंड कंपनी बन गया जो आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग हो रहे 1 अप्रैल 2020 से। तो हम लोग का जो पिछले वाला कंपनी है, सेट करते हैं उसको, बंद करते हैं 2021 का। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 1 अप्रैल 2020 से हम लोग का बैकअप का जो जो दूसरा कंपनी है फाइनेंशियल ईयर का 2020 का, वो बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट्स इन्फो में अभी आप हम लोग को जाना है, जहाँ पे हम लोग को लेजर देखेंगे। तो लेजर में जो हम लोग का है मल्टीपल क्रेडिट लेजर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब ऑल आइटम्स डालेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका ओपनिंग बैलेंस, ये हम लोग का डेटर्स है, इंडर रिसीवेंस भी है, सिंडिकेटर्स भी है, डेटर्स भी है। तो नॉर्मली जो पीएनएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है, तो वहाँ पर हम लोग का एक्सपेंसेस जो है वो हम लोग का जीरो हो जाता है। मतलब नेक्स्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखा रहा है। तो यदि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका बैलेंस दिखाता है, तो हम लोग अकाउंट्स इन्फो में जाके ग्रुप वाउचर में जाएंगे, और वहाँ से आपका मल्टीपल ग्रुप में जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालेंगे या डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो वहाँ पर जो बैलेंस होगा वो हम लोग यहाँ से जीरो कर देंगे। तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस में नहीं है, हम लोग का लेजर में जो है देखेंगे। तो हम लोग का बैलेंस अभी नहीं दिखा रहे हैं। यदि बैलेंस पी एफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दिखाता है, तो हम लोग को उसको जीरो करना है। तो जीरो करने का जो प्रोसेस है
वो देखिए यहाँ पे दिखाएगा जीरो ओपनिंग बैलेंस। तो हम लोग यहाँ पे रिस्क इसको जीरो ओपनिंग बैलेंस करते हैं तो हम लोग का बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। अभी हम लोग का डेटर्स है तो डेटर्स का हम लोग को ऑलरेडी हम लोग का ओपनिंग बैलेंस होगा तो उसके रिगार्डिंग हम लोग का जो डेबिट बैलेंस या कैरी बैलेंस है वो हम लोग का रहना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया आपका स्प्लिट। ओके तो ये आप हाँ, पहले बाद में पहले चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे ओपनिंग जो बैलेंस दिखा रहे हैं वो आपका सही दिखा रहा है कि नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ से हम लोग वेरिफिकेशन जो है कर लिए हैं उस टाइम। ओके, तो फिर से मैं आपको और एक बार लास्ट दिखाता हूँ कि आपका स्प्लिट कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का हम लोग का जो है 2020 का देखिए 2021 का हम लोग देख रहे हैं डेटा। तो इसमें हम लोग का यदि हम ये कंपनी में हम लोग का कुछ कंपनी जो गलत बना है या ये कंपनी नहीं बनना चाहे तो हम लोग यहाँ से ऑल्टर में जाके हम लोग कंपनी में इंटर करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑल डी करेंगे। ओके, तो यदि डिलीट करना है कंपनी को तो हम लोग ऑल डी करके और डिलीट ऑप्शन क्वेश्चन करेगा तो इसमें येस को अगर करेंगे तो येस हो जाएगा। तो आर यू सर, तो यहाँ पे आपको येस करना है। तो ये हम लोग का 2021 का जो कंपनी हम लोग ने बनाए थे वो हम लोग डिलीट कर दिए। ओके, तो फिर से हम लोग टैली टिक टू का 2020 2020 में जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि स्प्लिट फिर से कैसे क्या कहा जाता है। तो स्प्लिट कंपनी में जाएंगे, यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कंपनी करेंगे। यहाँ से हम लोग का जो फर्स्ट अप्रैल जो है 1 अप्रैल 2021, तो यहाँ से हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं। तो बिगिनिंग ईयर जो होगा 2021 है तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, यस करेंगे तो ये प्रोग्रेस हो रहे हैं। उसके बाद एक कंपनी बन गया है और हम उसके बाद हम लोग का जो डेटा है वो वेरीफाई करेंगे वेरीफाई कंपनी डेटा में जाके। तो देखिए यहाँ पे करना है वेरीफाइड कंपनी डेटा, यहाँ पे जाके हम लोग जो कंपनी बना है उसका जो डेटा है 2021 का वहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ पे जो वाउचर कुछ भी वाउचर नहीं है इसीलिए आपका वेरीफाई में नो वाउचर दिखा रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ 21 में जाके यस करना है तो दिखा रहा है नो वाउचर इंटर। ओके, तो ये हम लोग का आपको दिखा दिए कि स्प्लिट कैसे किया जाता है। कंपनी कोई में कोई कंपनी को डिलीट करना है तो उसको कैसे डिलीट किया जाता है। ओके, थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दिखाएंगे कि आपको डेटा जो है रिस्टोर किया कैसे जाता है बैकअप के बाद। बैकअप डेटा जो हम लोग किसी क्लाइंट को भेजते हैं या कंसल्टेंट या चार्टर्ड को, तो उसका जो डेटा है उसको डेटा बैकअप डेटा को वो लोग रिस्टोर कैसे किया करता है। तो ओके, थैंक यू दोस्त। कुछ नोटिफिकेशन हम लोग का जो आने वाला है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम लोग का चैनल को। ओके, बाय।